Friends, this is Tanya and I welcome you all to our English class. In this span of pandemic, you guys have got a golden opportunity to focus on your weak points. And if you have problem in active and passive voice, then trust me, this is the best video where you can solve your problems. So now, let's get started. So the most awaited topic, that is active and passive voice, is here. Actually, में active and passive voice क्या होता है, इसकी story क्या है, कहाँ से originate हुआ है active and passive, we will study here. And now, let's go with the line. Verb, verb से transitive verb से voice verb, and voice verb के दो part हैं, that is active and passive. So इतना तो clear हो गया कि वॉइस वर्ब के दो पार्ट एक्टिव एंड पैसिव. दैट मींस कि एक्टिव एंड पैसिव कहां से आए, वॉइस वर्ब से, एंड वॉइस वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब से. वर्ब क्या होता है, दैट इज वेरी वेल क्लियर टू यू. लेट्स सी द ट्रांजिटिव वर्ब. द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब किसके साथ यूज होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ. इट आंसर्स द क्वेश्चन हु एंड व्हाट. अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ही रोट अ लेटर. ही क्या है, सब्जेक्ट. रोट ट्रांजिटिव वर्ब. अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो ट्रांजिटिव वर्ब फॉलो किसके साथ हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. जेसिका रीड्स अ बुक. जेसिका बुक पढ़ती है. में जेसिका सब्जेक्ट, रीड्स ट्रांजिटिव वर्ब, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज वेरी वेल क्लियर टू यू कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट, दैट इज वॉइस. वॉइस वर्ब का वह रूप है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है. इट मीन्स इट टेल अस वेदर द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, इज द डूअर ऑफ द एक्शन. इसका मतलब कर्ता कोई काम करता है और द रिसीवर ऑफ द एक्शन. रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब कि कर्ता पे कोई काम कर रहा हो. दैट इज डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब एक्टिव वॉइस, एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब पैसिव वॉइस. लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जॉन राइट्स द लेटर. जॉन राइट्स द लेटर में जॉन क्या है, सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम कर्ता कहते हैं. जॉन इज शोन एज डूइंग समथिंग, इज दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जॉन यहां पे क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है. सो वो क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन. इसका मतलब ये कि सब्जेक्ट किस स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है. क्लियर हुआ. इस वाक्य से पता चलता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जॉन कोई काम करता है. लेट्स सी द सेकेंड. अ लेटर इज रिटन बाय जॉन. अ लेटर क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता. इस वाक्य से पता चलता है कि कर्ता यानी कि अ लेटर पर कोई काम हो रहा है. अ लेटर सब्जेक्ट इज शोन एज रिसीविंग, यानी रिसीवर है, एक्शन का रिसीवर है. एंड ये किस स्टेट में है, पैसिव स्टेट में है. नाउ लेट्स सी द मेन पार्ट, दैट इज एक्टिव वॉइस. अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिवली हो, एक्टिव स्टेट में हो. व्हेन द पर्सन और थिंग, जब पर्सन और थिंग इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, एंड वो सब्जेक्ट क्या हो, डूअर ऑफ द एक्शन हो. दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टिव. वर्ब का वह रूप जिससे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता झलकती है, उसे ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द ग्रोसर सेल्स शुगर. ग्रोसर शुगर सेल करता है. तो द ग्रोसर यानी ये क्या है, सब्जेक्ट, एंड शुगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेल्स क्या है, वर्ब. एंड वो वर्ब
एक्टिव स्टेट में है. चिल्ड्रेन लव एनिमल्स. चिल्ड्रेन किसे प्यार करते हैं? एनिमल्स को प्यार करते हैं. सो चिल्ड्रेन इज द सब्जेक्ट, एनिमल्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड लव इज द वर्ब. एंड वो वर्ब किस स्टेट में है? एक्टिव स्टेट में है. लेट्स सी द पैसिव. अ वर्ब इज इन पैसिव वॉइस. वर्ब किस वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा. व्हेन द पर्सन और थिंग इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. किससे डिनोट होगा? सब्जेक्ट. एंड वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रिसीवर ऑफ द एक्शन होना चाहिए. दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव और इज एक्टेड अपॉन. वर्ब का वह रूप जिससे कर्म, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, वो किस स्टेट में होता है? पैसिव की प्रधानता झलकता है. वर्ब का वह रूप जिससे कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट जो पैसिव का सब्जेक्ट की प्रधानता को दिखाता हो वही पैसिव वॉइस है. शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. यहां था द ग्रोसर सेल्स शुगर और यहां है शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. कैन यू नोटिस वन थिंग? यहां शुगर जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो एक्चुअली में अभी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है. एंड यहां पे द ग्रोसर जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो एक्चुअली में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है. यू विल गेट वेरी क्लियर अबाउट इट फर्दर. शुगर इज सोल्ड बाय द शुगर बाय द ग्रोसर. शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. सोल्ड क्या है? वर्ब. एंड वो किस स्टेट में है? पैसिव स्टेट में. एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रेन. आर लव्ड वर्ब जो कि पैसिव स्टेट में है. एक्टिव एंड पैसिव दोनों सेम सेंस देते हैं हमें. सेंस में प्रॉब्लम नहीं है बट डिफरेंस है उसके स्टेट में, उसके वॉइस में. सो दिस वॉज एंड फॉर टूडे एंड द फर्दर वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. द रेस्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास.